नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। किसान भाई दम देख रहे भाई, 2010 मॉडल है। तो भाइयों 2010 मॉडल, दोनों लीवर छोड़ दो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह, क्या कहना है भाइयों। 475 भी अपने आप में एक ट्रैक्टर है दोस्तों, बहुत ही वजूद से बहुत ही फालतू लोड ले रहा ट्रैक्टर। भाई जी नाम बताओ आप अपना। कमरपाल चौधरी। कमरपाल भाई, जिला कौन सा पड़ता है? मुजफ्फरनगर। ठीक है जी, और क्षेत्र कौन सा है आपका? मुजफ्फरनगर ही पड़ा जिला तो। अच्छा हाँ, लालपुर नीला। ठीक है जी, लालपुर नीला। ठीक है ठीक है। तो भाई जी कितने दिन से महिंद्रा चला रहे हैं आप? 10-13 साल से हो गए। ठीक है, तो जैसे आपका ट्रैक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, वजूद से फालतू जोर लगा रहा है, तो आपको कोई मेंटेनेंस वगैरह की कभी कोई दिक्कत आई जी इसमें? यू का तू सीड चल रहा जी ट्रैक्टर और बैटरी।
ठीक है जी, ठीक है। कहाँ से खरीदा था? अभी टायर भी नहीं चेंज करे। ठीक है जी, 11 साल हो गए। ठीक है जी, ठीक है। 11 साल में ये टायर भी यही है जी। और भाइयों अगले डलवा देखो, करना तो नहीं चाहिए ऐसा, पर महावेट रहे जी, 7 फुट का है और बिल्कुल नया महावेट रहा है, और 475 पे भाई चला के एक देखने वाली बात थी दोस्तों। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि भाई कोई भी भाई अपने 475 पे, या भाइयों किसी भी 40, 42, 39 HP पे चलाओ दोस्तों, उसके लिए नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पावर कैटेगरी का जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भाई वो ट्रैक्टर जो है भाई क्या कहूँ, बहुत बढ़िया चल रहा, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर जोरों में पूरा अपना वो कर रहा कि भाई अगर दोस्तों इसके ऊपर 6 फुट का रोटावेटर चलाएं तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। चलाओ जी, तो भाइयों दोबारा से भाई ने कर ली पूरी तैयारी, कोई भी भाई जो है 475 को तो हड़के में बिल्कुल ना ले। तो दोस्तों आज का वीडियो था भाई पुराने बुढ़े शेर का, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।